जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट संतोष गुप्ता। करेंगे देश की बात सच के साथ। बिहार में आज क्या हुआ, देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी में लूट की योजना बना रहे 5 अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा। अवैध हथियार सहित जिंदा कारतूस और कार भी हुई बरामद। बता दें कि पूर्णिया जिले के बनमनखी के जानकी नगर थाना क्षेत्र के बिनोवा ग्राम NH 107 पर लूट की योजना बना रहे थे। जानकी नगर पुलिस ने अवैध हथियार एवं जिंदा कारतूस के साथ 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 25 जून को रात्रि में गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि बिनोवा ग्राम मंदिर के पास एक स्लेटी रंग की कार खड़ी है, जिसमें कुछ व्यक्ति हथियार के साथ लूट की योजना बना रहे हैं। सूचना के सत्यापन हेतु जानकी नगर थाना की छापेमारी दल जब वहां पहुंची तो कार के पास, विनोबा ग्राम शिव मंदिर के पास, एक स्लेटी रंग की कार लगी हुई थी, जिसमें कि 3 व्यक्ति कार के अंदर बैठे हुए थे और 2 व्यक्ति इधर उधर आसपास के एरिया में ताक झाक कर रहे थे। छापेमारी दल के द्वारा पाँचों लोगों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया एवं पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में पता चला कि 5 लोग यहां जानकी नगर में किसी से लूटपाट करने की योजना बना रहे थे एवं उसी के इंतजार में वहां पर रुके हुए थे। 5 अभियुक्तों के पास से एवं गाड़ी से 2 अग्न्यास्त्र, कारतूस एवं मोबाइल बरामद किया गया है। 5 अभियुक्त के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: अभिमन्यु कुमार, उम्र 21 वर्ष, पिता जगत प्रसाद यादव, जोरगामा, वार्ड नंबर 7, थाना मुरलीगंज। अभिमन्यु कुमार का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है बनमनखी थाना एवं मुरलीगंज थाना में लूटपाट एवं चोरी की घटनाओं को लेकर। दूसरा है मुन्ना कुमार यादव, उम्र 21 वर्ष, पिता कुमोद यादव। मुन्ना कुमार का भी आपराधिक इतिहास है, जिसमें पूर्व में लूट में मुन्ना कुमार पहले जेल जा चुके हैं। तीसरा है रंजन कुमार, उम्र 19 वर्ष, पिता शिवदेव यादव, झालीघाट, वार्ड नंबर 12। चौथा सिनोद कुमार, उम्र 19 वर्ष, पिता निर्धन ऋषि, झालीघाट, वार्ड नंबर 11। पांचवा है मोहम्मद शहनवाज, उम्र 19, पिता मोहम्मद जब्बार, विनोबा ग्राम, वार्ड नंबर 7। इन लोगों के पास से जब्त सामानों की इस प्रकार विवरणी है: अभिमन्यु कुमार के पास से 1 देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 1 ओप्पो कंपनी का मोबाइल बरामद किया गया है। मुन्ना कुमार यादव के पास से 1 देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस, 1 मोबाइल बरामद किया गया है। रंजन कुमार के पास से 1 जिंदा कारतूस जब्त किया गया है। सिनोद कुमार के पास से 1 लोहे का बना फाइटर, 1 मोबाइल जब्त किया गया है। मोहम्मद शहनवाज के पास से 1 मोबाइल बरामद किया गया है एवं जिस कार में 5 लोग थे, 1 स्लेटी रंग की कार को जब्त किया गया है। अभियुक्त अभिमन्यु कुमार का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें कि मुरलीगंज थाना कांड संख्या 121-20, धारा 379, मुरलीगंज थाना कांड संख्या 282-23, धारा 389, बनमनखी थाना कांड संख्या 301-22, धारा 392, जो कि लूट की धारा है, एवं आर्म्स एक्ट में पूर्व में जेल जा चुके हैं। छापामारी पुलिस टीम में संतोष कुमार झा थानाध्यक्ष जानकी नगर, नितिन कुमार परिचमान पुलिस अवर निरीक्षक जानकी नगर, उपेंद्र पासवान सहनी जानकी नगर, दीपक साहू सिपाही संतोष कुमार, संजय कुमार चौरसिया, चौकीदार इंद्रानंद पासवान एवं चौकीदार चुनचुन पासवान शामिल थे। बता दें कि बनमनखी SDPO हुलास कुमार ने कहा कि गुप्त जानकारी मिली थी कि विनोवा ग्राम मंदिर के पास एक कार खड़ी है और कुछ लोग NH के पास इधर उधर ताक झांक कर रहे हैं। सूचना के सत्यापन हेतु आवश्यक कार्रवाई को लेकर टीम गठित की गई, जिसके बाद जानकी नगर थाना अध्यक्ष संतोष झा, प्रशिक्षु SI नितिन कुमार, ASI उपेंद्र पासवान, ASI दीपक साहू सदल बल छापेमारी के लिए निकल गए। बता दें विनोवा ग्राम मंदिर के पास एक स्लेटी रंग की कार खड़ी थी, जिसके बाद पुलिस को भी शक हुई। कार में सवार 3 व्यक्ति NH पर, 2 व्यक्ति ताकझांक में लगे थे। तलाशी लेने के क्रम में अभिमन्यु कुमार के पास से 1 देशी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और 1 ओलो कंपनी का
मोबाइल, जी हाँ, मुन्ना कुमार यादव के पास से एक देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक टेक्निक कंपनी का मोबाइल। अभियुक्त रंजन कुमार के पास से एक जिंदा कारतूस। अभियुक्त विनोद कुमार के पास से एक लोहे का बना फाइटर टेक्नो स्पार्क कंपनी का मोबाइल। और अभियुक्त मोहम्मद शाहनवाज के पास से एक रियलमी कंपनी का मोबाइल और एक कार बरामद किया गया है। बता दें कि पूछने के क्रम में उन्होंने बताया कि साथियों के साथ कार में सवार होकर बिनोगा ग्राम स्थित मंदिर के पास लूटने की योजना बना रहे थे। इसी क्रम में पुलिस की छापेमारी में 5 अभियुक्तों को अवैध हथियार एवं जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें 5 गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध जानकी नगर थाना कांड संख्या 237/24 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया गया है। बता दें आरोपी अभिमन्यु कुमार पर पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। बता दें कि ये शातिर अपराधी कोई बड़ा कांड करने की योजना बना रहे थे। अनुभवी आंखें न्यूज के लिए गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।